एवरीवन, आज हम बहुत ही ज्यादा टेस्टी और गर्मा गर्म टिक्की बनाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले हम उबले हुए आलूओं को ठंडा करके उनका छिलका उतार लेंगे और उनको घिया कस कर लेंगे। अब हम इसमें एक कटोरी कॉर्नफ्लोर या ररूट पाउडर, 2 स्पून राइस फ्लोर, ब्रेड क्रम्स 2 ब्रेड के, नमक, रेड चिली पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमको इसको गूंदना है। अब हम चना दाल लेंगे और उसमें पनीर डाल देंगे। पनीर की रेसिपी का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। हम इसमें रेड चिली पाउडर, चाट मसाला, ब्लैक पेपर, ड्राई कोरिएंडर, गरम मसाला, 1 ग्रीन चिली, सॉल्ट और ड्राई फ्रूट्स डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारी फिलिंग तैयार है। अब हम हमारी कवरिंग को लेंगे और उसमें से एक लोई लेके उसकी बॉल बना लेंगे, ऑयल लगा के हाथ में। अब हम इसमें हमारी फिलिंग डाल देंगे और फिर से इसको अच्छे से कर लेंगे कि हमारी फिलिंग बाहर ना निकले। अब हम इसको दोनों तरफ से तल लेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। हमको इनको गरम तेल में दोनों तरफ से तलना है। अब ये रेडी है। अगर आप इसको मूली, हरी चटनी और लाल चटनी के साथ खाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। थैंक यू। लाइक माई वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो ड्रॉप अ कमेंट।